युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का शनिवार को समापन हो गया। समापन सत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर व्याख्यानमाला आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में आयोजित व्याख्यानमाला में आए हुए विद्वत जनों ने अपने अपने विचार रखे। व्याख्यानमाला में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल दास, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रबंधक समिति के सदस्य परमथ नाथ मिश्र एवं डॉक्टर फूलचंद सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, हम भाषा विज्ञान के शिक्षक पूर्वांचल हिंदी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयानंद जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के दूसरे दिन आज जो व्याख्यान रखा गया उसका विषय था धारा 370 की समाप्ति राष्ट्र हित में। इसमें ये बताया गया कि धारा 370 हमारे विकास को किस प्रकार से बाधित कर रही थी, किस प्रकार से जो है एक ही राष्ट्र में दोहरी नागरिकता चल रही थी और उससे केवल जम्मू कश्मीर के लोगों में ही नहीं लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के जो अन्य कबीलाई लोग थे उनका जीवन स्तर विकसित होगा, रोजगार सृजन वहाँ पर ज़्यादा होगा और वो लोग भी देश की मूलधारा में जुड़ सकेंगे और देश का विकास निरंतर होता रहेगा। इसके प्रति इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया, शुभकामना दिया गया कि उन्होंने ये निर्णय लेकर के राष्ट्र हित में एक बड़ा काम किया, एक राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार की दिशा में ये एक बेहतर कदम है। आज के चीफ गेस्ट थे राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी और अध्यक्षता आज का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ सदस्य श्री परमथ नाथ मिश्र जी ने किया।